गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? अच्छे हो ना? तो चलो आज हम पढ़ेंगे ईवीएस, ठीक है? व्हाट इज टुडेस डेट? 22/9/21 एंड व्हाट डे इज टुडे? टुडे इज वेडनेसडे। तो चलो वेडनेसडे की स्पेलिंग राइटिंग करेंगे। डब्ल्यू ई डी एन ई एस डी ए वाई वेडनेसडे वन टाइम रीड करेंगे। डब्ल्यू ई डी एन ई एस डी ए वाई वेडनेसडे, ठीक है बच्चों? तो चलो आज हमें क्या पढ़ना है बच्चों? लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। सबको पता है कि लिविंग थिंग्स के बारे में क्या होता है? लिविंग थिंग, लिविंग थिंग वो होते हैं जो हम जो चल सकते हैं, बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं और एक जगह से दूसरे जगह पर जा सकते हैं, उनको हम बोलते हैं लिविंग थिंग्स, ठीक है बच्चों? और नॉन लिविंग थिंग्स किसको बोलते हैं? जो चल नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, एक जगह से दूसरे जगह जा नहीं सकते हैं, उनको हम बोल सकते हैं नॉन लिविंग थिंग, ठीक है? जैसे देखो हम लोग प्लांट्स, एनिमल्स और हम जो रहते हैं ह्यूमन बीइंग, ये हम लोग क्या कर सकते हैं? एक दूसरे से बात कर सकते हैं ना, बात कर सकते हैं, चल सकते हैं, हम एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं। लेकिन जो ये रहते हैं जैसे टेबल, चेयर, ब्लैक बोर्ड, जैसे और कोई चीज़ जो रहती है, प्लेग्राउंड, जैसे ये सब चीज़ें एक दूसरे से जा सकती हैं कि इधर से उधर बात कर सकते हैं क्या? नहीं। लेकिन एनिमल्स भी जो है वो एक दूसरे से, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। प्लांट्स भी देखो, प्लांट्स में क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ते हैं ना प्लांट्स, जैसे जैसे हम उसमें पानी डालते हैं तो मूव होते हैं, वो धीरे धीरे बढ़ते हैं, प्लांट्स बड़ा हो जाता है प्लांट, तो प्लांट्स भी बात कर सकते हैं, है ना बच्चों? तो इसलिए आपको आज क्या पढ़ना है? लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में, ठीक है? तो चलो पहले हम क्या लिखेंगे? लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स यानी क्या होता है? जो हम एक दूसरे से, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, बोल सकते हैं, उनके बारे में हम पहले लिखेंगे, फिर हम नॉन लिविंग थिंग के बारे में लिखेंगे, ठीक है? तो चलो पहले हम लिखेंगे वॉइड। बी देखो जैसे मैं लिख रही हूँ ना कैपिटल, मैंने आपको बताया ना फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होना चाहिए, तो आपको कैपिटल ही लिखना है और प्रॉपर फोर लाइन में लिखना है बच्चों, बिल्कुल मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है ना? बी ओ वाई बॉय। बॉय जा सकते हैं क्या? एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं ना, है ना? लड़के लड़कियां सब एक दूसरे से दूसरी जगह जा सकते हैं, ठीक है? उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है? बर्ड। बी आई आर डी बर्ड, ठीक है बच्चों? बर्ड भी देखो एक जगह से दूसरे जगह फ्लाई करते हैं ना फ्लाई बच्चों, फ्लाई करके जाते हैं एक दूसरे से, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, खाते भी हैं वो, है ना? और चर्पिंग करते हैं, है ना बच्चों? उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है? गर्ल। जी आई आर एल गर्ल। गर्ल भी बच्चों एक दूसरे से हम जाते हैं ना, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, गर्ल छोटे बच्चे जा सकते हैं, एक दूसरे से बात भी करते हैं, तो वो भी क्या आएगा? लिविंग थिंग में आएगा, है ना बच्चों? उसके बाद क्या आते हैं? फिश एफ आई एस एच फिश, ठीक है बच्चों? फिश की स्पेलिंग क्या है? एफ आई एस एच फिश। फिश भी देखो बच्चों सी में, वाटर में रहती है ना, वाटर में उसे दाना देते हैं हम, दाना डालते हैं तो दाना खाती है, वाटर में स्विम करती है ना, देखिए ना अपने फिश, ठीक है? तो वो भी क्या है? लिविंग थिंग है। टी, तो चलो टी लिखेंगे। टी आर डबल ई ट्री, ठीक है बच्चों? आया आपके समझ में? जो पहले हम क्या पढ़ेंगे अभी, लिविंग थिंग एक बार रीड कर लेंगे, ठीक है? बी ओ वाई बॉय। बी आई आर डी बर्ड। जी आई आर एल गर्ल। एफ आई एस एच फिश। टी आर डबल ई ट्री, ठीक है? अब बच्चों हमें क्या देखना है? नॉन लिविंग थिंग, ठीक है? चलो नॉन लिविंग थिंग लिखते हैं। पहला क्या आएगा नॉन लिविंग थिंग में? बुक। तो बुक की स्पेलिंग हम देखेंगे। बी बी हमेशा कैपिटल रहेगा, फर्स्ट लेटर मैंने आपको बताया ना कैपिटल रहता है। बी डबल ओ के बुक, ठीक है बच्चों? बी डबल ओ के बुक, ठीक है? उसके बाद है टेबल, ठीक है बच्चों? टी
A B L E टेबल, ठीक है बच्चों, आया आपके समझ में, TABLE टेबल, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है, पेन, PEN पेन, ये सब जो है वो नॉन लिविंग थिंग है ना। बुक भी हम देखते हैं इधर से उधर चल नहीं सकती है, बात नहीं कर सकती है, टेबल भी इधर से उधर जा सकता है क्या, नहीं। उसके बाद पेन भी एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है क्या, अपने आप चल के जाता है क्या, नहीं, ठीक है। तो ये सब हम क्या लिख रहे हैं, नॉन लिविंग थिंग लिख रहे हैं। इसके बाद क्या आता है, चेयर, ठीक है, EHAIR चेयर, ठीक है बच्चों। चेयर की स्पेलिंग रीड करेंगे एक बार, चलो, CHAIR चेयर, ठीक है बच्चों। अब लास्ट में क्या है बच्चों, बस, BUS बस, ठीक है बच्चों, आ रहा है आपके समझ में, दिख रहा है। चलो वन टाइम रीड करते हैं, नॉन लिविंग थिंग में क्या क्या आएगा, BOOK बुक, BABLE टेबल, PEN पेन, CHAIR चेयर, BUS बस, ठीक है। ये सब जो है वो क्या है, नॉन लिविंग थिंग है। बुक भी नहीं चलती है, बात भी नहीं करती है, टेबल भी बात नहीं कर सकता है, इधर उधर जा नहीं सकता है, पेन भी इधर उधर जा नहीं सकता है ना। खाता पीता है क्या पेन, नहीं, हमारे जैसे खाते पीते हैं क्या, नहीं। चेयर भी इधर उधर जाती है क्या, नहीं। उसके बाद बस भी, बस चल सकती है ना, लेकिन वो बात करती है क्या, नहीं, है ना, इसीलिए ये सब नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है। उसके बाद हम लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों पढ़ेंगे, ठीक है। लिविंग थिंग में क्या है, देखो, BOY बॉय, BIRD बर्ड, GIRL गर्ल, FISH फिश, TREE ट्री। उसके बाद नॉन लिविंग थिंग में BOOK बुक, TABLE टेबल, PEN पेन, CHAIR चेयर, BUS बस, ठीक है बच्चों, आया आपके समझ में। देखो बच्चों, CW में आपको टीचर ने कैसे सेटिंग करके दी है, ऊपर डेट डालनी है आपको, उसके बाद लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है, इस तरह से आपको सेटिंग करनी है। उसके बाद नीचे आपको लिविंग थिंग्स आपको वन लाइन ड्रॉ करनी है और आपको दो कॉलम्स बनाने हैं, हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड करना है। पहले कॉलम में आपको लिखना है लिविंग थिंग्स और दूसरे कॉलम में आपको लिखना है नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पेज पे देखो बच्चों, आपको क्या करना है, SW लिखना है, डेट डालनी है और लिविंग ऊपर जैसे सेटिंग करके दी है आपको, वन लाइन पहले ड्रॉ करनी है आपको और दो पार्ट्स करने हैं, ठीक है, दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। और उसके बाद पहले आपको टीचर ने ऊपर जैसे सेटिंग करके दी है लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स, वैसे आपको लिखना है और नीचे आपको राइटिंग करनी है, ठीक है बच्चों। बच्चों आज मैंने आपको क्या पढ़ाया, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। तो आपको जैसे टीचर ने अभी बताया ना कि CW में और SW में कैसे टीचर ने सेटिंग करके दी है, वैसे आपको प्रॉपरली लिखना है और उसे लर्न भी करना है कि लिविंग थिंग क्या होता है और नॉन लिविंग थिंग क्या होता है, ठीक है बच्चों। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।